लॉकअप टू रिप्लेस करेगा श्वेता तिवारी का शो अपराजिता, जो कि जी टीवी पर किया गया है ऑन एयर। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फोर्स। लॉकअप टू को लेकर खबरें काफी आ रही हैं। लॉकअप टू में कई सारे सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी नजर आने वाले हैं, राखी सावंत नजर आने वाली हैं। इसी के साथ ही एकता कपूर ने यह भी कहा कि लॉकअप टू है जो इस बार काफी ज्यादा ग्रैंड लेवल पर लॉन्च किया जाएगा और इसी के साथ टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। और ये जब खबर आई तो इसके बाद यहां पर कयास लगाए जाने लगा कि ये जो रियलिटी शो है जी टीवी पर शुरू किया जाएगा 7 अप्रैल से। तो आपको बता दें कि लॉकअप टू 7 अप्रैल से ही शुरू होगा और कहा यह भी जा रहा कि जी टीवी पर ही होगा, लेकिन अपराजिता शो को रिप्लेस नहीं करेगा। जी हाँ, सोर्सेस ने बताया, जब सोर्सेस से पूछा गया कि अपराजिता शो ऑफ एयर होने वाला है तो यहाँ पर साफ पता चला कि ये शो ऑफ एयर नहीं हो रहा है। शो अच्छा चल रहा है, अच्छा रन कर रहा है, तो इस शो को ऑफ एयर नहीं किया जाएगा। तो ये क्लियर है कि अपराजिता शो रिप्लेस नहीं कर रहा है, मतलब लॉकअप टू जो है वो अपराजिता को रिप्लेस नहीं करेगा। जी टीवी पर जिस वक्त ये शो ऑन एयर किया जाता है उसी वक्त होगा। अब देखना ये होगा कि अगर जी टीवी पर लॉकअप टू आता है तो कौन से शो को रिप्लेस किया जाएगा, क्या टाइमिंग स्केड्यूल होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वेल, आपको बता दें कि इस शो में इस बार जेलर के रूप में मुनव्वर फारूकी नजर आने वाले हैं। करण कुंद्रा का भी नाम जुड़ा है। रूबीना दिलेक भी जेलर बनकर एंट्री मारने वाली हैं, खबरें यही आ रही हैं। इसी के साथ यहाँ पर सौंदर्य, अर्चना, कई सारे सेलिब्रिटी के नाम जोड़ चुके हैं कि वो इस शो का हिस्सा होंगे। तो अब देखना ये होगा कि शो में कौन कौन से कंटेस्टेंट नजर आते हैं, शो में क्या नया देखने को मिलता है, क्या वाकई में टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता है या ओटीटी पर भी, इस बार भी ओटीटी पर ही होगा। ये सारी चीजें आने वाले दिनों में जल्द ही पता चल जाएंगी। और लॉकअप टू की अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।